हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 में स्लाइस टूल सीखेंगे। स्लाइस टूल के लिए हमें सबसे पहले पेज लेना रहेगा, ब्लैंक पेज। तो आप यहां देख सकते हो, आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, यहां पे पेज नहीं दिया है। तो पेज लेने के लिए फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए और यहां पे हम जैसे पेज को नेम देंगे माय प्रोजेक्ट। पेज की स्टाइल जैसे हम यहां से सिलेक्ट करते हैं वेब और उसकी साइज सिलेक्ट करते हैं, ओके दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया है। अभी हम लेयर लेंगे, विंडो में जाके लेयर पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर आ गया है। हम क्रिएट लेयर करेंगे ब्लैंक लेयर नया लेने के लिए। अभी हम रेक्टेंगल सिलेक्शन लेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन लीजिए और ड्रॉ करिए। आप देख सकते हो यहाँ पर रेक्टेंगल सिलेक्शन हो गया। अभी फिगर में आपको जितना फिगर सेट करना है आप सेट कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पर 5 फिगर दे रहे हैं। अभी हम विंडो में जाएंगे और स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टाइल प्लेट आ गई। अभी स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम अल्टर बैकस्पेस देंगे। अभी हम नेक्स्ट जो भी स्टाइल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली हमने जो सिलेक्शन एरिया दिया था उसमें आ जाएगा। आपको जो भी एरिया सिलेक्ट करना है और जो स्टाइल सिलेक्ट करनी है आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल डी देके कीबोर्ड में से सिलेक्शन हटा सकते हो। अभी हम टी टूल लेके यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं अबाउट अस। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो सिलेक्ट करिए। आपको यहाँ पे कलर प्लेट दी हुई है, आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करके ओके दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे कलर अप्लाई हो गया है। एरो टूल लीजिए, आप देख सकते हो उसको मूव करके। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल टी करके आप उसकी साइज डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे चेंज की। एंटर दोगे सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल से हम यहाँ पे स्लाइस क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे स्लाइस क्रिएट हो रहे हैं। सिलेक्ट स्लाइस टूल है नेक्स्ट ऑप्शन। सिलेक्ट स्लाइस टूल से हम जो स्लाइस किए हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हो सिलेक्शन हो रहा है। अगर एक्स्ट्रा सिलेक्शन हुआ है तो हम डिलीट भी कर सकते हैं कीबोर्ड में से सीधा डिलीट प्रेस करके। और अगर आपको साइज चेंज करनी है तो आप साइज भी चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे साइज चेंज हुई है। ये हो गया। अभी हम स्लाइस टूल सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट ऑप्शंस में जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हो डिटेल दी हुई है। हम URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे आपको जो लिंक देनी है आप लिंक दे सकते हो। हम यहाँ पे लिंक दे रहे हैं। यहाँ पे आपको जो भी लिंक अटैच करनी है आप उसका लिंक का पूरा एड्रेस लिख सकते हो, जैसे हमने लिखी लिंक। और टारगेट में हम कीबोर्ड में से अंडरस्कोर प्रेस करके ब्लैंक लेंगे और यहाँ पे जो भी मैसेज आपको टाइप करना है मैसेज टाइप कर सकते हो। आपको जो भी मैसेज टाइप करोगे आपको रिजल्ट में दिखाएगा। देन आफ्टर लिंक्स ओके दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रिपेयर हो गया है। अभी हम फाइल पे क्लिक करके सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे और यहां से सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट को जो भी नाम देना है सोर्स सिलेक्ट करके नाम दीजिए। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यहाँ पे HTML एंड इमेजेस वाला फॉर्मेट सेट होना चाहिए, ओके दीजिए। अभी हम हमारी फाइल को मिनिमाइज करेंगे। हमने जो फाइल क्रिएट की है हमें देखनी है, मिनिमाइज करिए। डेस्कटॉप पे आपको फाइल दिख रही है, डबल क्लिक करके आप उसको ओपन करिए। आप देख सकते हो फाइल ओपन हो गई, उसके ऊपर आपने जो टेक्स्ट डाली थी लिंक्स वो भी दिख रही है। थैंक यू।